नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इतिहास का पाठ दो, जिसका नाम है शिवाजी महाराज से पूर्व का भारत। तो बच्चों, इस पाठ में हमको पढ़ना क्या है सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। तो इस पाठ में हम शिवाजी महाराज से पूर्व काल में भारत में जो विभिन्न राजसत्ताएं थीं उनका अध्ययन करेंगे। इस कालखंड में भारत में विभिन्न राजसत्ताएँ अस्तित्व में थीं। देखो, इस पाठ में आपको क्या पढ़ना है कि शिवाजी महाराज से पूर्व काल भारत में, मतलब शिवाजी महाराज के पहले कौन कौन सी राजसत्ताएं भारत में थी उनका हम अध्ययन करेंगे। तो क्या दिया यहाँ पर, देखो, 8वीं शताब्दी में बंगाल में पाल विख्यात राजवंश था। मध्य भारत में गुर्जर प्रतिहार सत्ताओं ने आंध्र, कलिंग, विदर्भ, पश्चिम काठियावाड़, कन्नौज और गुजरात तक सत्ता विस्तार किया। देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि 8वीं शताब्दी में बंगाल में कौन सा राजवंश विख्यात था? पाल राजवंश। ठीक है, 8वीं शताब्दी में बंगाल में पाल राजवंश क्या था? विख्यात था। ठीक है, मध्य भारत में, ये तो बंगाल की बात हो गई, मध्य भारत में गुर्जर प्रतिहार सत्ताओं ने आंध्र, कलिंग, विदर्भ, पश्चिम काठियावाड़, कन्नौज और गुजरात तक सत्ता विस्तार किया। मतलब ये गुर्जर प्रतिहार जो सत्ताएं थी, ठीक है, उन्होंने आंध्र, कलिंग, विदर्भ, पश्चिम काठियावाड़, कन्नौज और गुजरात तक सत्ता विस्तार किया। उत्तर भारत के राजपूत वंशों में गहड़वाल वंश, परमार वंश महत्वपूर्ण थे। और अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो इसमें राजपूत वंशों में कौन कौन महत्वपूर्ण थे? तो गहड़वाल वंश और परमार वंश क्या थे? महत्वपूर्ण थे। राजपूतों ने चौहान वंश का, पृथ्वीराज चौहान पराक्रमी शासक था। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है कि राजपूतों में चौहान वंश का, मतलब राजपूतों में अगर देखा जाए तो उस टाइम की बात हो रही है, चौहान वंश का कौन पराक्रमी शासक था? तो पृथ्वीराज चौहान क्या था? शासक था। ठीक है, पराक्रमी शासक था। तराई नामक स्थान पर हुए प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया। देखो फिर यहाँ पर क्या दिया गया है कि तराई नामक स्थान पर, मतलब तराई नाम का एक स्थान था जहाँ पर प्रथम युद्ध में, पहले ही युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया था बच्चों? मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, मतलब उसको हरा दिया था। लेकिन तराई में हुए दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। ठीक है, देखो प्रथम युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया, उनको हरा दिया। लेकिन जब दूसरा युद्ध हुआ तो उसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया। ठीक है, तमिलनाडु के चोल वंश के राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम असाधारण महत्व रखते हैं। चोल शासकों ने नौसेना के बल पर मालदीव द्वीप और श्रीलंका को जीत लिया। कर्नाटक के होयसड़ वंश के विष्णुवर्धन राजा ने संपूर्ण कर्नाटक को जीत लिया। देखो फिर यहाँ पर क्या दिया गया है कि तमिलनाडु के चोल वंश के राजराज प्रथम, मतलब तमिलनाडु के चोल वंश के जो राजराज प्रथम थे उन्होंने, और राजेंद्र प्रथम, देखो राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम ये असाधारण महत्व रखते थे, मतलब इनका बहुत ही महत्व था। ठीक है, चोल शासकों ने नौसेना के बल पर मालदीव द्वीप और श्रीलंका को जीत लिया था। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चोल शासक थे उन्होंने क्या किया था? नौसेना के बल पर। बच्चों, नौसेना का मतलब क्या होता है? नौसेना मतलब जैसे नेवी बोलते हैं ना उसको इंग्लिश में, जो पानी में जो सेना होती है उसको क्या कहते हैं बच्चों? नौसेना कहते हैं। ठीक है, तो इनके बल पर चोल शासकों ने क्या किया था? मालदीव द्वीप और श्रीलंका को जीत लिया था। ठीक है, कर्नाटक के होयसड़ वंश के विष्णुवर्धन ने संपूर्ण कर्नाटक को जीत लिया था। और कर्नाटक के होयसड़ वंश के राजा कौन थे? विष्णुवर्धन, जिन्होंने संपूर्ण पूरा कर्नाटक को जीत लिया था। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट वंश के गोविंद तृतीय के कार्यकाल में राष्ट्रकूट की सत्ता कन्नौज से लेकर रामेश्वर तक फैली हुई थी। कालांतर में कृष्ण तृतीय ने इलाहाबाद तक का प्रदेश जीत लिया। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या दिया गया है, देखो यहाँ पर आप समझते जाइएगा, महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट वंश के, देखो महाराष्ट्र के राष्ट्र मतलब महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट वंश था जिसके गोविंद तृतीय के कार्यकाल में राष्ट्रकूट की सत्ता कन्नौज से लेकर
रामेश्वरम तक फैली हुई थी, मतलब जो गोविंद तृतीय थे ठीक है उनके कार्यकाल में राष्ट्रकूट की सत्ता कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी बच्चों, कन्नौज से लेकर के रामेश्वरम तक फैली हुई थी, रामेश्वर तक ठीक है, सॉरी यहाँ पे रामेश्वर लिखा हुआ है। कालांतर में कृष्ण तृतीय ने इलाहाबाद तक का प्रदेश जीत लिया और फिर उसके बाद ठीक है जो कृष्ण तृतीय थे इन्होंने क्या किया, इलाहाबाद तक का प्रदेश जीत लिया। चलो आगे देखो, शिलाहारों के तीन वंश पश्चिम महाराष्ट्र में उदित हुए, और यहाँ पे अब बात की जा रही है शिलाहारों की, तो इनके तीन वंश पश्चिम महाराष्ट्र में क्या हुए, उदित हुए ठीक है। पहला वंश कोंकण में ठाणे और रायगढ़, दूसरा वंश दक्षिण कोंकण पर तथा तीसरा वंश कोल्हापुर सतारा सांगली और बेलगांव जिलों के कुछ हिस्सों पर राज कर रहे थे। शिवाजी महाराज से पूर्व काल के अंत में महाराष्ट्र के यादवों की राजसत्ता वैभवशाली राजसत्ता मानी जाती है, मतलब शिवाजी महाराज से पहले की अगर हम बात करें तो क्या होता था कि महाराष्ट्र के यादवों की जो राजसत्ता थी वो वैभवशाली राजसत्ता मानी जाती है ठीक है। यादव वंश का शासक भिल्लम पंचम की राजधानी औरंगाबाद के समीप देवगिरी में था। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है कि यादव वंश का शासक कौन, भिल्लम पंचम, पंचम की राजधानी औरंगाबाद के समीप देवगिरी में थी। देखो बच्चों मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। यादव वंश का शासक, देखो यादव वंश का शासक भिल्लम पंचम की राजधानी, देखो जो यादव वंश का शासक था ठीक है उसकी राजधानी भिल्लम पंचम की राजधानी, मतलब वो जो शासक था उसका नाम क्या था, भिल्लम पंचम ठीक है। तो भिल्लम पंचम की राजधानी औरंगाबाद के समीप देवगिरी में थी ठीक है। उसने कृष्णा नदी के पार अपनी सत्ता का विस्तार किया और इस भिल्लम पंचम ने जो यादव का क्या था शासक था उसने क्या किया, कृष्णा नदी के पार अपनी सत्ता का क्या किया, विस्तार किया। यादवों का शासनकाल मराठी भाषा और साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। देखिए यादवों का शासनकाल क्या माना जाता है, मराठी भाषा और साहित्य का स्वर्ण युग। स्वर्ण युग मतलब क्या होता है, बहुत ही अच्छा युग माना जाता है। इसी कालखंड में महाराष्ट्र में महानुभाव और वारकरी संप्रदायों का उदय हुआ, और इसी कालखंड में क्या हुआ, महाराष्ट्र में महानुभाव और वारकरी संप्रदायों का उदय हुआ था, मतलब ये लोग उदय तो हुए थे, इनका उदय हुआ था ठीक है बच्चों। तो क्या आपको इतना समझ में आया, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं ओके। चलो देखो यहाँ पर पश्चिम उत्तर दिशा में आक्रमण, तो इसमें क्या दिया है, देखो यद्यपि महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट यादव जैसे स्थानीय घरानों की सत्ता थी फिर भी उत्तर में इन स्थितियों का लाभ पश्चिम उत्तर दिशा से आए आक्रमणकारियों ने उठाया, वहां के स्थानीय सत्ताओं को जीतकर अपना आधिपत्य स्थापित किया। देखो बच्चों यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि यद्यपि मतलब भले ही महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट यादव जैसे स्थानीय घरानों की सत्ता थी, मतलब महाराष्ट्र में भले ही महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट और यादव जैसे जो घराने थे उनकी सत्ता थी, लेकिन फिर भी उत्तर में इन स्थितियों का लाभ पश्चिम उत्तर दिशा से आए आक्रमणकारियों ने उठाया, लेकिन फिर भी जो आक्रमणकारी थे ठीक है उन्होंने क्या किया, पश्चिम दिशा से आए थे ठीक है, मतलब पश्चिम दिशा से आकर के उन्होंने इसका लाभ क्या किया, उठाया। वहाँ की स्थानीय सत्ताओं को जीतकर, मतलब उत्तर में जो भी स्थानीय सत्ताएं थी ठीक है उनको जीत करके अपना आधिपत्य स्थापित किया। अब आगे देखिएगा यहाँ पर क्या दिया गया है कि इस बीच की कालावधि में मध्य पूर्व में अरब सत्ता का उदय हुआ, साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अरब सत्ताधीश भारत की ओर मुड़े। फिर देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि इसी बीच मतलब इसी टाइम पे क्या हुआ कि मध्य पूर्व में अरब सत्ता का क्या हुआ, उदय हुआ, मतलब मध्य और पूर्व में जो अरब सत्ताएं थी ठीक है उनका उदय हुआ। साम्राज्य का विस्तार करने के लिए जो अरब सत्ताधीश थे, मतलब अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए जो अरब सत्ताधीश थे वे भारत की ओर मुड़े ठीक है। 8वीं शताब्दी में अरब सेनानी मोहम्मद बिन कासम ने सिंध प्रांत पर आक्रमण किया। फिर 8वीं शताब्दी में अरब
सेनानी जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासम, उसने क्या किया, सिंध प्रांत पर आक्रमण किया। सिंध के दाहिर राजा के प्रतिकार को निष्फल बनाते हुए उसने सिंध प्रांत को जीता। और फिर उसने क्या किया, जो सिंध के दाहिर राजा थे ठीक है, उनके प्रतिकार मतलब उन्होंने जब उसका प्रति विरोध किया ठीक है, तो उसको निष्फल बनाते हुए उसने क्या किया, सिंध प्रांत को जीत लिया। इस आक्रमण के परिणाम स्वरूप अरबों का भारत के साथ पहली बार राजनीतिक संपर्क हुआ। कालांतर में मध्य एशिया के तुर्की, अफगानी और मुगल भारत में आए और उन्होंने भारत में अपनी सत्ता स्थापित की। फिर देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इस आक्रमण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, अरबों का भारत के साथ पहली बार राजनीतिक संपर्क हुआ। मतलब इस आक्रमण के ही कारण अरबों का भारत के साथ पहली बार क्या हुआ, राजनीतिक संपर्क हुआ। फिर कालांतर में अभी उसके बाद क्या हुआ, मध्य एशिया के जो तुर्की, अफगानी और मुगल थे ये सभी भारत में आए और इन्होंने भारत में आकर के अपनी सत्ता स्थापित की। समझ में आ रहा है आपको, देखो दूसरे दूसरे देशों से आकर के भारत में अपनी सत्ताएं ये लोग स्थापित कर लेते हैं ठीक है। अब आगे देखिए, ईस्वी सन 11वीं शताब्दी में भारत पर तुर्कियों के आक्रमण प्रारंभ हुए। वे अपनी सत्ता का विस्तार करते हुए भारत की पश्चिमोत्तर सीमा तक आ पहुँचे। गजनी का सुल्तान महमूद ने भारत पर अनेक आक्रमण किए। इन आक्रमणों में उसने मथुरा, वृंदावन, कन्नौज, सोमनाथ के संपन्न मंदिरों को लूटा और वहाँ की विपुल संपत्ति अपने साथ ले गया। अब सुनिएगा बच्चों, यहाँ पर क्या दिया गया है कि ग्यारहवीं शताब्दी में क्या हुआ, भारत पर तुर्की जो थे ना उनका आक्रमण प्रारंभ हो गया। वे अपनी सत्ता का विस्तार करते हुए भारत की पश्चिमोत्तर सीमा तक आ पहुँचे। भारत की जो पश्चिमोत्तर सीमा थी ठीक है, जो पश्चिमोत्तर सीमा थी वहाँ तक वे आ पहुँचे। और उसके बाद देखो, गजनी का जो सुल्तान था महमूद, उसने भी भारत पर अनेक बार आक्रमण किए ठीक है। इन आक्रमणों में उसने क्या किया, मथुरा, वृंदावन, कन्नौज, सोमनाथ के जो भी संपन्न मंदिर थे, जो भी संपन्न मतलब क्या, जिनके पास सोना चांदी वगैरह सब कुछ था ठीक है, बहुत सारा सोना था, बहुत सारे हीरे मोती ओके, तो इन सभी को क्या किया, इन संपन्न मंदिरों को उसने लूटा और वहाँ की विपुल संपत्ति जो भी संपत्ति थी उनको अपने साथ लेकर के गया। सोचिए ये आया भारत में हमारे ऊपर आक्रमण करके, इन मंदिरों की मंदिरों में जो भी यहाँ पे क्या थी, संपत्ति थी, उनको लेकर के चला गया। कौन लेकर के गया बच्चों, महमूद ठीक है, गजनी का सुल्तान महमूद। तो ये तो हमने क्या पढ़ा, पश्चिमोत्तर दिशा में आक्रमण, पश्चिमोत्तर के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे उत्तर के सुल्तान शाही, तो ये कहाँ से कहाँ तक है थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ तक है, चलिए पढ़ते हैं। ईस्वी सन 1975 और 1978 में अफगानिस्तान के गोर के सुल्तान मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किए। फिर देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ईस्वी सन 1175, देखो जब 11वीं शताब्दी थी तब की बात हो रही है ठीक है, जैसे अभी क्या चल रही है 21वीं शताब्दी चल रही है, वैसे ही जब 11वीं शताब्दी थी ठीक है, तब तो हम रह भी नहीं होंगे ठीक है, तो ये इतिहास है ना, पहले जो हो चुका है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो 11वीं शताब्दी में मतलब 1175 और 1178 में अफगानिस्तान के गोर के सुल्तान मोहम्मद गोरी ने क्या किया, भारत पर आक्रमण किया। भारत में जीते हुए प्रदेश का प्रशासन चलाने के लिए उसने कुतुबुद्दीन ऐबक की नियुक्ति की। फिर इसने क्या किया, जो मोहम्मद गोरी था इसने भारत में आक्रमण करके जितने भी प्रदेश इतने जीते थे ठीक है, उन पर प्रशासन चलाने के लिए, उन प्रदेशों का राज चलाने के लिए इसने कुतुबुद्दीन ऐबक की नियुक्ति की ठीक है। ईस्वी सन 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आधिपत्य में भारतीय प्रदेश का शासन स्वतंत्रता पूर्वक चलाना प्रारंभ किया। ऐबक मूलतः एक गुलाम था, फिर भी वह दिल्ली का सुल्तान बना। देखो फिर यहाँ पर क्या दिया गया है कि ईस्वी सन 1206 में ठीक है, 1206 है ये, ईस्वी सन 1206 में क्या हुआ, मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई ठीक है। उसके पश्चात जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने क्या किया, अपने आधिपत्य में भारतीय प्रदेश का शासन
वो उसने चलाना प्रारंभ किया। ठीक है, मतलब वो एकदम अपने अधिकार में उसने ले लिया। ऐबक क्या था, मूलतः एक गुलाम था, क्योंकि उसको तो किसने नियुक्त किया था, किसने नियुक्त किया था, मुहम्मद गोरी ने। ठीक है, तो वो एक गुलाम था, लेकिन फिर भी वह दिल्ली का क्या बन गया, सुल्तान बन गया। ईस्वी सन 1220 में उसकी मृत्यु हुई। और इसकी मृत्यु कब हुई, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई, ईस्वी सन 1210 में। ठीक है ना, यहाँ पे हिंदी में है तो थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, ये 1206 है और ये 1210 है। ठीक है, आप समझ लीजिएगा, कहीं पे अगर मैं गलती बोल दूँ तो आप समझ लेना। ठीक है, ये 1210 है। हाँ चलो आगे देखो। इब्राहिम लोदी अंतिम सुल्तान था, उसके स्वभाव में अनेक दोष थे, फलतः उसके अनगिनत शत्रु बने। पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी ने काबुल के मुगल सत्ताधीश बाबर को इब्राहिम लोदी के विरुद्ध युद्ध के लिए आमंत्रित किया। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और इसी के साथ सुल्तानशाही का अंत हो गया। फिर देखो यहाँ पर क्या दिया गया है कि इब्राहिम लोदी जो था ना, ये अंतिम सुल्तान था। ठीक है, इसके बाद सुल्तानशाही खत्म हो गई। उसके स्वभाव में क्या थे, बहुत सारे दोस्त थे और इसी कारण उसके अनगिनत शत्रु बने थे। पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी ने काबुल के मुगल सत्ताधीश बाबर को इब्राहिम लोदी के विरुद्ध युद्ध के लिए क्या किया था, आमंत्रित किया था। और इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को क्या कर दिया, पराजित कर दिया और इसी के साथ सुल्तानशाही खत्म हो गई, इसका अंत हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं विजयनगर राज्य, तो चलिए देखते हैं क्या दिया है इसमें। दिल्ली का सुल्तान मुहम्मद तुगलक के कार्यकाल में दिल्ली के केंद्रीय सत्ता के विरुद्ध दक्षिण में विद्रोह हुए, इसी से विजयनगर और बहमनी इन दो शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ। देखो विजयनगर और बहमनी इन दो शक्तिशाली राज्यों का उदय कैसे हुआ बच्चों, दिल्ली का सुल्तान मुहम्मद तुगलक के कार्यकाल में, मतलब जो दिल्ली का सुल्तान था मुहम्मद तुगलक, उसके कार्यकाल में दिल्ली के केंद्रीय सत्ता के विरुद्ध दक्षिण में क्या हुए, विद्रोह हुए। मतलब जो सत्ता थी दिल्ली में, ठीक है, उसके विरुद्ध क्या हुए, विद्रोह हुए। और इसी की वजह से विजयनगर और बहमनी इन दो शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ। दक्षिण भारत के दो भाई हरिहर और बुक्का दिल्ली के सुल्तानशाही की सेवा में सरदार थे। देखो दक्षिण भारत के दो भाई थे कौन, भाई हरिहर और बुक्का। ठीक है, ये क्या थे, दिल्ली की सुल्तानशाही की सेवा में सरदार थे। मतलब वो दिल्ली की जब सुल्तानशाही थी, ठीक है, तो वो उसमें क्या थे, सरदार थे। मुहम्मद तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में राजनीतिक अस्थिरता निर्माण हुई। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है कि मुहम्मद तुगलक का जब शासनकाल था, ठीक है, तभी दक्षिण में राजनीतिक अस्थिरता, ठीक है, राजनीतिक अस्थिरता, उथल पुथल क्या हुई, निर्माण हुई। हरिहर और बुक्का ने इस अस्थिरता का लाभ उठाते हुए ईस्वी सन 1336 में दक्षिण में विजयनगर राज्य की स्थापना की और इसका लाभ उठा करके, ठीक है, इस अस्थिरता का लाभ उठा करके हरिहर और बुक्का ने क्या किया, ईस्वी सन 1336 में दक्षिण में विजयनगर राज्य की क्या कर ली, स्थापना की। ठीक है, वर्तमान कर्नाटक का हम्पी नगर इस राज्य की राजधानी था और वर्तमान में, मतलब वर्तमान में ये जो कर्नाटक का हम्पी नगर है, ठीक है, वो उस टाइम पर क्या था, इस राज्य की राजधानी था। हरिहर विजयनगर का प्रथम शासक बना और उसके बाद विजयनगर का प्रथम शासक कौन बना बच्चों, तो हरिहर बना। ठीक है, हरिहर और बुक्का दो भाई थे ना, तो उसमें से हरिहर क्या बना, विजयनगर का प्रथम शासक बना। हरिहर के पश्चात उसका भाई बुक्का सत्तासीन हुआ। अब हरिहर के मरने के बाद, ठीक है, उसके बाद उसका भाई जो बुक्का था वो राजा बना। ओके, रामेश्वर तक के प्रदेश को बुक्का अपने आधिपत्य में ले आया और फिर बुक्का जो था वो रामेश्वर तक के प्रदेश को अपने आधिपत्य, मतलब उधर अपना क्या किया उसने, अपना आधिपत्य स्थापित किया। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हो गई किसकी, विजयनगर राज्य की। अब हम यहाँ पे कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद बहमनी राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके चलो देखो यहाँ पर कृष्णदेव राय, ईस्वी सन 1509 में कृष्णदेव राय विजयनगर का शासक बना। अब ईस्वी सन 1509 में कृष्णदेव राय क्या बने,
विजयनगर का शासक, ठीक है। उसने विजयवाड़ा और राजमहेंद्री प्रदेशों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। फिर उन्होंने क्या किया, विजयवाड़ा और राजमहेंद्री प्रदेशों को जीता और अपने राज्य में मिला लिया। देखो राजा कैसे होते थे ना, वे हमेशा अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे, ठीक है। वे चाहते थे कि हमारा राज्य और बड़ा हो। समझो एक जगह पे ये कोई प्रदेश है, यहाँ पे ये राजा राज कर रहे हैं और यहाँ पे दूसरे राजा राज कर रहे हैं, तो ये राजा के मन में क्या चलता होगा कि मैं इस राज्य पे आक्रमण करूँ, इसको जीत जाऊँ, अगर इसकी सेना को हरा दूंगा तो ये राज्य मेरे में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे जगह पे इनका ही राज्य हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से वो लोग हमेशा अपनी सत्ता विस्तार करना चाहते थे, ठीक है। बहमनी सुल्तान महमूद शाह के नेतृत्व में एकत्रित हुए सुल्तानों के सैन्य संघ की उसने पराजय की। कृष्णदेव राय के कार्यकाल में विजयनगर राज्य पूर्व में कटक से लेकर पश्चिम में गोवा तक और उत्तर के रायचूर दोआब से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला हुआ था। ईस्वी सन 1530 में कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई। देखो यहाँ पर क्या दिया गया ना, इसको आप समझना। बहमनी सुल्तान महमूद शाह के नेतृत्व में एकत्रित हुए सुल्तानों के सैन्य संघ की उसने पराजय की। किसने पराजय की, कृष्णदेव राय जी ने। कृष्णदेव राय के कार्यकाल में मतलब जब कृष्णदेव राय का कार्यकाल था तब विजयनगर राज्य पूर्व में कहाँ तक था, कटक से लेकर के पश्चिम में गोवा तक, ठीक है। पूर्व में कटक से लेकर के पश्चिम में गोवा तक और उत्तर में रायचूर दोआब से लेकर के दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला हुआ था। उसके बाद ईस्वी सन 1530 में कृष्णदेव राय की मृत्यु हुई। किसकी, कृष्णदेव राय की मृत्यु हुई, ठीक है। कृष्णदेव राय कैसे थे, विद्वान थे। उन्होंने तेलुगु भाषा में राजनीति से संबंधित आमुक्त माल्यदा नामक ग्रंथ लिखा। और उन्होंने क्या किया था, तेलुगु भाषा में एक ग्रंथ लिखा था राजनीति से संबंधित, जिसका नाम था आमुक्त माल्यदा, ठीक है। ये ग्रंथ लिखा था उन्होंने। उनके शासन काल में विजयनगर में हजार राम मंदिर और विट्ठल मंदिर का निर्माण कार्य हुआ। और उन्हीं के शासन काल में क्या हुआ, विजयनगर में हजार राम मंदिर और विट्ठल मंदिर का निर्माण हुआ, ठीक है। कृष्णदेव राय के पश्चात विजयनगर राज्य की शक्ति घटती गई। अब देखो जब तक कृष्णदेव राय जी थे तब तक तो अच्छा था, ठीक है। विजयनगर अच्छा खासा उस पर विजयनगर पर राज्य कर रहे थे, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन जो ही इनकी मृत्यु हुई उसके बाद जो विजयनगर की जो शक्ति थी ना वो घटती गई, ठीक है। वर्तमान कर्नाटक राज्य के तालीकोट में एक और आदिलशाही, निजामशाही, कुतुबशाही, बरीदशाही और दूसरी ओर विजयनगर के शासक राम राय के बीच ईस्वी सन 1565 में युद्ध हुआ। इस युद्ध में विजयनगर की पराजय हुई। इसके बाद विजयनगर राज्य समाप्त हुआ। फिर देखो बच्चों क्या होता है कि इसके बाद जब विजयनगर की शक्ति घटती जा रही थी, देखो जब भी किसी राज्य की शक्ति घटती थी ना तो जो दुश्मन राजा रहते थे जो सोचते थे कि हमारा इस राज्य पे क्या हो जाए, आधिपत्य हो जाए, हम इसको जीत लें, तो वो हमेशा सोचते रहते थे कि कब ये राज्य कमज़ोर हो रहा है, कब यहाँ पे सैनिक कमज़ोर हो रहे हैं, ठीक है। तो जब विजयनगर के जो राजा जी थे कृष्णदेव राय, जब इनकी मृत्यु हो गई तब जो दूसरे राजा थे उन्होंने इसका क्या किया, फ़ायदा उठाया और फिर आक्रमण कर दिया। इससे क्या हुआ, विजयनगर जो था मतलब इसकी पराजय हो गई। उसके बाद विजयनगर राज्य क्या हो गया बच्चों, समाप्त हो गया। तो ये तो हमने किसके बारे में पढ़ा, कृष्णदेव राय जी के बारे में पढ़ा। ये बहुत ही विद्वान थे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हमको अगला क्या पढ़ना है, बहमनी राज्य। तो ये क्या था, कैसे था, चलो देखते हैं। मुहम्मद तुगलक के प्रभाव को उखाड़ फेंकने के लिए दक्षिण के सरदारों ने विद्रोह किया। इन सरदारों का प्रमुख हसन गंगू था। देखिए इसको समझना, मुहम्मद तुगलक के प्रभाव को हटाने के लिए, उखाड़ फेंकने के लिए जो दक्षिण के सरदार थे उन्होंने क्या किया बच्चों, विद्रोह किया, ठीक है। इन सरदारों का प्रमुख कौन था, हसन गंगू। उसने दिल्ली के सुल्तान की सेना को पराजित किया और ईस्वी सन 1347 में नए राज्य का उदय हुआ। उसने क्या किया, दिल्ली के सुल्तान की सेना को
पराजित किया। किसने किया बच्चों? हसन गंगू ने, ठीक है। और फिर 1347 में नए राज्य का उदय हुआ, इसे बहमनी राज्य कहते हैं। मतलब जो नया राज्य उदय हुआ उसको क्या कहते हैं बच्चों? बहमनी राज्य कहते हैं। हसन गंगू बहमनी राज्य का प्रथम सुल्तान बना। उसने कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा में अपनी राजधानी की स्थापना की। मतलब हसन गंगू क्या बना? प्रथम सुल्तान बना उस राज्य का, बहमनी राज्य का। और उसने कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा में अपनी राजधानी की स्थापना की। किसने की? गंगू ने की, ठीक है। अब हमको यहाँ पर क्या पढ़ना है? महमूद गवा, चलो इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। ये कौन थे, क्या थे, कैसे थे? महमूद गवा बहमनी राज्य का प्रमुख वजीर और उत्तम प्रशासक था। देखो महमूद गवा कौन था? बहमनी राज्य का क्या था? वजीर। मतलब वजीर मतलब क्या होता है? जैसे मंत्री होते हैं ना राजा के, वैसे, ठीक है। तो ये कौन थे? महमूद गवा बहमनी राज्य का प्रमुख वजीर और उत्तम प्रशासक था, ठीक है। उसने बहमनी राज्य को आर्थिक रूप से सामर्थ्यशाली बनाया। और इसने क्या किया? बहमनी राज्य को आर्थिक रूप से सामर्थ्यवान बनाया। सैनिकों को जागीरें देने के स्थान पर नगद वेतन देना प्रारंभ किया। मतलब वो सैनिकों को जागीरें नहीं बल्कि नगद वेतन देता था। सैनिकों में अनुशासन निर्माण किया। और सैनिकों में क्या निर्माण किया? अनुशासन। भू राजस्व प्रणाली में सुधार किया। बीदर में अरबी और फारसी विद्वानों के अध्ययन हेतु मदरसा स्थापित किया। और इसने मदरसा भी स्थापित किया। किसने किया बच्चों? महमूद गवा ने, ठीक है। महमूद गवा के पश्चात बहमनी सरदारों में गुटबंदी बढ़ने लगी। अब महमूद गवा के पश्चात, ठीक है, अब उनके बाद बहमनी सरदारों में क्या बढ़ने लगी? गुटबंदी, ठीक है। विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच चलने वाले संघर्ष का बहमनी राज्य पर प्रतिकूल परिणाम हुआ। विभिन्न प्रांतों के अधिकारी अधिक स्वतंत्रता के साथ रहने लगे। बहमनी राज्य का विघटन हुआ और बहमनी राज्य के अवरहार बरार की इमादशाही, बीदर की बरीदशाही, बीजापुर की आदिलशाही, अहमदनगर की निजामशाही और गोलकुंडा की कुतुबशाही, ये 5 खंड बने, ठीक है। चलो अब आगे देखो, मुगल सत्ता। अब हम यहाँ पे मुगल सत्ता की बात करेंगे, ठीक है। तो मुगल सत्ता यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो फिर हम महाराणा प्रताप, उसके बाद चांद बीबी, फिर रानी दुर्गावती, ये सारी जो भी रानियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। चलो अभी मुगल सत्ता के बारे में पढ़ते हैं। तो ईस्वी सन 1526 में दिल्ली की सुल्तानशाही समाप्त हुई और वहाँ मुगल सत्ता की स्थापना हुई। देखो ईस्वी सन 1526 में दिल्ली की क्या समाप्त हुई? सुल्तानशाही, जैसे सुल्तान वहाँ पे होते थे, तो अब वो समाप्त हुई और वहाँ पर मुगल सत्ता स्थापित हुई, ठीक है। मुगल सत्ता की स्थापना हुई। अब बाबर के बारे में हमको पढ़ना है। तो बाबर मुगल सत्ता का क्या था? संस्थापक था। मतलब इसी ने मुगल सत्ता को स्थापित किया था। वह मध्य एशिया में वर्तमान उज्बेकिस्तान के फरगाना राज्य का शासक था। मतलब वो मध्य एशिया में किस राज्य का शासक था? देखो यहाँ पे नाम दिया गया है, वर्तमान में जो उज्बेकिस्तान है, ठीक है, उसके फरगाना राज्य का क्या था? वो शासक था। भारत की संपन्नता और संपत्ति का वर्णन उसने सुन रखा था, इसलिए उसने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। देखो ये बाबर यहाँ पर भारत में आया कैसे? उसने ना भारत, देखो हमारा भारत पहले से बहुत संपन्न था, ठीक है। तो भारत की संपन्नता और यहाँ पे इतनी सारी संपत्ति है, इसका वर्णन उसने पहले ही सुन रखा था, इसलिए उसने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उसको लगा कि मुझे भारत में जाना चाहिए, वहाँ पे आक्रमण करना चाहिए, ठीक है। उस समय दिल्ली में इब्राहिम लोदी सुल्तान था और वह राज्य प्रशासन चला रहा था। और उस टाइम पे जिस समय ये योजना बना रहा था, उस टाइम पे दिल्ली में कौन सुल्तान था? इब्राहिम लोदी था, ठीक है। सुल्तानशाही के अंतर्गत पंजाब प्रदेश में दौलत खान लोदी प्रमुख अधिकारी था। और दौलत खान लोदी क्या था? प्रथम प्रमुख अधिकारी था। इब्राहिम लोदी तथा दौलत खान लोदी के संबंधों में संघर्ष प्रारंभ हुआ। दौलत खान ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। अब यहाँ पर समझिएगा बच्चों, ये जो बाबर था ना, खुद से अगर चाहता तो नहीं जीत सकता था। देखो ये जो दौलत खान था, ठीक है, देखो इब्राहिम लोदी तथा दौलत खान लोदी के संबंधों में संघर्ष प्रारंभ हुआ। मतलब ये लोग ना आपस में क्या करने लगे? संघर्ष करने लगे। इसका तो फिर ये जो दौलत खान था, इसने क्या बोला बाबर को कि तुम क्या करो? भारत पर आक्रमण करो। किसके विरुद्ध करना?
ये जो इब्राहिम लोदी है उसके विरुद्ध, समझ में आ रहा है। दौलत खान ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। देखो बाबर तो अभी योजना बना रहा था, लेकिन दौलत खान ने इसको आमंत्रित किया था। सोचो जो यहाँ पे रह रहे हैं वही इसको बुला रहे हैं कि आप आक्रमण करो। इस अवसर का लाभ उठाते हुए बाबर ने भारत पर आक्रमण कर दिया, और इस अवसर का लाभ उठा करके बाबर ने क्या किया, भारत पर आक्रमण कर दिया। बाबर के आक्रमण का प्रतिकार करने के लिए इब्राहिम लोदी अपनी सेना लेकर चल पड़ा। मतलब उससे लड़ाई करने के लिए इब्राहिम लोदी चल पड़ा, ठीक है। फिर 21 अप्रैल 1526 को पानीपत में उसका बाबर के साथ युद्ध हुआ। और फिर क्या होता है, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत में उसका बाबर के साथ क्या होता है, युद्ध होता है। इस युद्ध में बाबर ने भारत में पहली बार तोपखाने का प्रभावी उपयोग किया, और इस युद्ध में बाबर ने किसका उपयोग किया था, तोपखाने का, ठीक है। उसने इब्राहिम लोदी की सेना को पराजित किया। उसने क्या किया, बाबर ने इब्राहिम लोदी की जो सेना थी उसको पराजित किया। यह युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध था, और यह जो युद्ध था ये पानीपत का कौन सा युद्ध था, प्रथम युद्ध था, क्योंकि ये लड़ाई कहाँ पर हुई थी, पानीपत में, ठीक है। इस युद्ध के बाद मेवाड़ के राणा सांगा ने राजपूत राजाओं को एकत्रित किया। बाबर और राणा सांगा के बीच खानुआ नामक स्थान पर युद्ध हुआ। देखो इस युद्ध के बाद जो मेवाड़ के राजा थे राणा सांगा, उन्होंने राजपूत राजाओं को क्या किया, एकत्रित किया, ठीक है। बाबर और राणा सांगा के बीच कहाँ पर युद्ध हुआ था, खानुआ नामक स्थान पर, ठीक है। इस युद्ध में बाबर के तोपखाना और आरक्षित सेना ने प्रभावशाली कार्य किया, और इस युद्ध में बाबर का जो तोपखाना था, ठीक है, और जो उसकी सेना थी उन्होंने प्रभावशाली कार्य किए, और जो राणा सांगा की सेना थी वो फिर से हार गई। ईस्वी सन 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। देखो बाबर जो इतना उछल रहा था, भारत में आक्रमण कर रहा था, यहाँ पे राज्य स्थापित कर रहा था, लेकिन 1530 में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। इसके बाद तो बाबर खत्म ही हो गया। चलो फिर आगे देखो, यहाँ पर अकबर मुगल वंश में सबसे अधिक पराक्रमी और कार्यक्षम शासक था। अभी देखो यहाँ पे अकबर की बात की जा रही है। अकबर कौन था, मुगल वंश में सबसे अधिक पराक्रमी, सबसे ज़्यादा पराक्रमी और कार्यक्षम शासक था। अकबर ने संपूर्ण भारत को अपने छत्र के नीचे लाने का प्रयास किया। मतलब उसको लगता था कि मैं पूरे भारत पे क्या करूँ, राज्य करूँ। इस प्रयास में उसको विरोध हुआ, ठीक है। महाराणा प्रताप चांद बीमी रानी दुर्गावती द्वारा अकबर के विरुद्ध किया गया संघर्ष उल्लेखनीय है। मतलब ये जो चाहता था वैसा ये लोग नहीं होने देना चाहते थे। महाराणा प्रताप चांद बीमी रानी दुर्गावती, ठीक है, इन्होंने उसका क्या किया, संघर्ष किया। तो चलिए अभी महाराणा प्रताप चांद बीमी ये लोगों के बारे में पढ़ते हैं। महाराणा प्रताप की बात करेंगे तो उदय सिंह की मृत्यु के पश्चात महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे। कौन बैठे, महाराणा प्रताप। जब उदय सिंह की मृत्यु हुई तब ये मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे। उन्होंने मेवाड़ के अस्तित्व को जीवित रखने के लिए संघर्ष जारी रखा, और ये जो राजा थे महाराणा प्रताप, इन्होंने मेवाड़ का अस्तित्व खत्म ना हो, जीवित रहे, इसके लिए उन्होंने संघर्ष को जारी रखा। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की स्वतंत्रता को अक्षुण रखने के लिए अकबर के साथ अंत तक संघर्ष किया। मतलब वो नहीं चाहते थे कि अकबर हमारे राज्य पर क्या करे, राज करे, ठीक है। अपने राज्य को अस्तित्व में रखने के लिए उन्होंने अंत तक क्या किया, अकबर के साथ संघर्ष किया। महाराणा प्रताप अपनी वीरता, धैर्य, आत्मसम्मान, त्याग आदि गुणों के कारण इतिहास में अमर बने। और महाराणा प्रताप कैसे अमर बने, महाराणा प्रताप अपनी वीरता, इनके अंदर वीरता थी, धैर्य था, आत्मसम्मान, ठीक है, अपना आत्मसम्मान, फिर त्याग, इन गुणों के कारण इनका ये इतिहास में क्या हो गए हैं, अमर हो गए हैं। कौन, महाराणा प्रताप, ठीक है। अब हम बात करेंगे चांद बीबी की। तो चांद बीबी कौन थी, चलो देखो यहाँ पे। ईस्वी सन 1595 में मुगलों ने निजामशाही की राजधानी अहमदनगर पर आक्रमण किया, ठीक है। इस टाइम पे इन्होंने मुगलों ने क्या किया, आक्रमण किया। मुगल सेना ने अहमदनगर के किले को घेर लिया, ठीक है। अहमदनगर के हुसैन निजामशाही की पराक्रमी बेटी चांद बीबी ने वीरतापूर्वक युद्ध किया। फिर यहाँ पर सुनिएगा, अहमदनगर के जो हुसैन थे निजाम शाह की पराक्रमी जो बेटी थी जिसका नाम था चांद बीबी, उसने क्या किया, वीरतापूर्वक युद्ध किया। देखो ये लड़की थी लेकिन फिर भी इसने
युद्ध किया। उस समय निजामशाही के सरदारों में फूट पैदा हुई, और उस टाइम पे क्या हुआ, निजामशाही के जो सरदार थे उनमें फूट पैदा हुई, उनमें क्या हुआ, फूट मतलब क्या होता है, एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगना, ठीक है। इस फूट का परिणाम चांद बीबी की हत्या में हुआ, और इस फूट का परिणाम क्या हुआ, चांद बीबी की हत्या, ठीक है। कालांतर में मुगलों ने अहमदनगर का किला जीत लिया, परंतु निजामशाही का संपूर्ण राज्य मुगलों के हाथ में नहीं आया। फिर उसके बाद मुगलों ने अहमदनगर का किला तो जीत लिया, लेकिन निजामशाही का जो पूरा राज्य था, संपूर्ण राज्य, वो उनके हाथ में नहीं आया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे चांद बीबी के भी बारे में आपने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे रानी दुर्गावती के बारे में। तो विदर्भ का पूर्वी क्षेत्र, उसके उत्तर का मध्य प्रदेश का क्षेत्र, वर्तमान छत्तीसगढ़ का पश्चिमी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का उत्तरी हिस्सा और उड़ीसा की पश्चिमी क्षेत्र मोटे तौर पर गोंडवाना का विस्तार है। चंदेल राजपूत वंश में जन्मी रानी दुर्गावती विवाह के पश्चात गोंडवाना की रानी बनी। देखो ये जो दुर्गावती थी, रानी दुर्गावती, देखो यहाँ पर ये किस राजपूत वंश में जन्मी थी, चंदेल, ठीक है। ये गोंडवाना की क्या बनी, रानी बनी, विवाह के पश्चात ये गोंडवाना की रानी बनी। उसने उत्तम पद्धति से शासन चलाया, और रानी बनकर के इन्होंने बहुत ही अच्छी पद्धति से, उत्तम पद्धति से क्या किया, शासन चलाया, ठीक है। मध्यकालीन इतिहास में रानी दुर्गावती द्वारा मुगलों के विरुद्ध किया गया युद्ध अपना अलग महत्व रखता है। मतलब इन्होंने ना मुगलों के विरुद्ध भी युद्ध किया था, ठीक है। दुर्गावती ने अपने पति की मृत्यु के बाद अकबर के साथ युद्ध करते हुए वीरगति पाई, परंतु घुटने नहीं टेके। अब सुनिएगा रानी दुर्गावती के बारे में, ये कितनी वीर थी। इन्होंने जब इनके पति की मृत्यु हो गई, तब इन्होंने अकबर के साथ युद्ध करते हुए वीर गति की गति को प्राप्त हुई, शहीद हुई, लेकिन वे उसके सामने नहीं झुकी, उन्होंने अपने घुटने अकबर के सामने नहीं टेके, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे औरंगजेब की, ठीक है। चलो देखो, ईस्वी सन 1658 में औरंगजेब शासक बना। देखो किसमें, ईस्वी सन 1658 में कौन शासक बना, औरंगजेब। उस समय मुगल साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में अहमदनगर तक, और पश्चिम में काबुल से पूर्व और बंगाल तक फैला हुआ था। मतलब जब ये राजा बना था तब इतना विस्तार था, ठीक है। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में पूर्व में असम, दक्षिण में बीजापुर की आदिलशाही तथा गोलकुंडा की कुतुबशाही को नष्ट करके उनके प्रदेश को अपने साम्राज्य में मिला लिए थे। तो देखा आपने औरंगजेब कैसा था, इसने आक्रमण कर करके, ठीक है, उनको जीत लिया था अपने प्रदेश में, इनको अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अब यहाँ पे हम आगे बात करेंगे आहोमों के साथ संघर्ष, ठीक है। फिर उसके बाद सिखों के साथ संघर्ष, और फिर उसके बाद हमको क्या पढ़ना है, राजपूतों के साथ संघर्ष, फिर अंत में हम क्या पढ़ेंगे, मराठों के साथ संघर्ष। तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं, इस तरह से हमारा ये जो पाठ है ना, ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आहोमों के साथ संघर्ष, इसमें क्या दिया, देखो ईसवी सन की 13वीं शताब्दी के शान समाज के लोग ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में स्थायी रूप में बस गए। वहाँ इन लोगों ने अपना राज्य स्थापित किया। स्थानीय लोग इन लोगों को आहोम कहते थे। देखो बच्चों, आहोम कौन होते थे, ईसवी सन की 13वीं शताब्दी में, देखो 13वीं शताब्दी में शान एक समाज होता था, ठीक है। तो शान समाज के लोग ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में स्थायी रूप में बस गए। मतलब ये जो लोग थे, ठीक है, शान समाज के जो लोग थे वो ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में स्थायी रूप से बस गए, और वहाँ इन लोगों ने क्या किया, अपना राज्य स्थापित कर लिया, और इन्हों को क्या कहा जाने लगा, मतलब इन्हीं को स्थानीय लोग क्या कहते थे, स्थानीय लोग इन लोगों को क्या कहते थे, आहोम कहते थे, ठीक है। औरंगजेब के कार्यकाल में आहोम और मुगलों के बीच दीर्घकाल तक संघर्ष चला। और सुनिएगा, औरंगजेब का जब कार्यकाल था तब आहोम और मुगलों के बीच, मतलब बहुत ही समय तक क्या चला, संघर्ष चला। मुगलों ने आहोमों के प्रदेश पर आक्रमण किया। मुगलों ने क्या किया, आहोमों, देखो मुगल ऐसे ही थे, किसी भी प्रदेश पर आक्रमण कर देते थे, ठीक है। तो मुगलों ने क्या किया, आहोमों के प्रदेश पर आक्रमण किया। सभी आहोम गदाधर सिंह के नेतृत्व में संगठित हुए। तो जो सभी आहोम थे ये भी कम नहीं थे, वे भी क्या हुए, संगठित हुए, किसके नेतृत्व में, मतलब इनका लीडर कौन था, गदाधर सिंह, ठीक है। लक्षित बड़फुकन नामक सेनानी ने मुगलों के विरुद्ध प्रखर संघर्ष किया। देखो एक सेनानी था लक्षित बड़फुकन, ठीक है, उसने क्या किया, मुगलों के विरुद्ध प्रखर संघर्ष किया।
मुगलों के विरुद्ध युद्ध में आहोमों ने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली मतलब छापा मार युद्ध का अवलंब किया। असम में अपनी सत्ता को दृढ़ करके मुगलों के लिए दृढ़ करना मुगलों के लिए असंभव हुआ। और असम में अपनी सत्ता को दृढ़ करना क्या हुआ मुगलों के लिए, ये असंभव हुआ। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया। अब हमको पढ़ना है सिखों के साथ संघर्ष। तो चलिए देखिए, सिखों के 9वें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर। कौन थे बच्चों? गुरु तेग बहादुर। ठीक है, उन्होंने औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता की नीति के विरुद्ध अपना विरोध जताया। देखो ये जो गुरु थे ना, 9वें गुरु, उन्होंने औरंगजेब की जो धार्मिक कट्टरता थी, ठीक है, वो दूसरे धर्मों को जैसे नहीं मानता था, ये जो धार्मिक इसकी कट्टरता थी, इस नीति के विरुद्ध उन्होंने विरोध जताया। औरंगजेब ने उन्हें बंदी बनाया। और जब उन्होंने विरोध जताया तो औरंगजेब ने क्या किया, इनको बंदी बनाया और 1665 ईस्वी में उनका सिर कटवा दिया। सोचो ये कितना कितना परेशान करता था। एक तो भारत में आया भी था और लोगों को परेशान करता रहता था। उसने क्या किया, इनको जब इन्होंने उसका विरोध किया, ये तो गलत बात है ना, तो इसने क्या किया, उनका सिर कटवा दिया। उसके पश्चात गुरु गोविंद सिंह सिखों के गुरु बने। फिर उसके बाद कौन गुरु बने सिखों के? गुरु गोविंद सिंह बने। ये थे सिखों के 10वें गुरु। गुरु गोविंद सिंह ने अपने अनुयायियों को संगठित कर उनके भीतर की वीरता को प्रेरित किया। फिर गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया, जो इनके अनुयायी थे, जो इनको मानने वाले थे, उन्होंने क्या किया, उनको इकट्ठा किया, संगठित किया और उनके भीतर वीरता को क्या किया, प्रेरित किया। उन्होंने योद्धा सिख युवाओं का एक दल स्थापित किया, मतलब जो युवा थे, ठीक है, तो सिखों का एक युवा दल उन्होंने स्थापित किया। इस दल को खालसा दल कहते हैं। इस दल को क्या कहते हैं? खालसा दल कहते हैं। फिर आनंदपुर उनका प्रमुख केंद्र था। औरंगजेब ने सिखों के विरुद्ध सेना भेजी। औरंगजेब जो था बहुत ही बदमाश था, सबको परेशान करता रहता था, ठीक है, तो औरंगजेब ने क्या किया, सिखों के विरुद्ध सेना भेजी। उसकी सेना ने आनंदपुर पर आक्रमण किया। फिर उसकी सेना ने क्या किया, आनंदपुर पर आक्रमण कर दिया। इस समय सिखों ने प्रखर संघर्ष किया परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। लेकिन इसके बाद भी जो सिख थे उन्होंने बहुत संघर्ष किया लेकिन फिर भी इनको सफलता नहीं मिली। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह दक्षिण में आए और नांदेड़ में निवास करने लगे। ईस्वी सन 1708 में उन पर आक्रमण हुआ। इसी हमले के फलस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। देखिएगा ये जो मुगल थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया, ईस्वी सन 1708 में इनके उन पर आक्रमण किया और इस तरह से उनकी क्या हो गई बच्चों, मृत्यु हो गई। तो ये जो मुगल थे ना, ये किसी को भी चैन से रहने नहीं दे रहे थे। कोई भी मतलब ये क्या सोचते थे कि बस हमारा ही राज्य चले और किसी का भी राज ना चले, ठीक है। तो इन्होंने कितना हमारे भारत देश को परेशान किया, यहाँ पे आप पढ़ करके समझ सकते हो। अब ये तो हमने सिखों के साथ संघर्ष देखा था, यहाँ पर आहोमों के साथ संघर्ष देखा था, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, राजपूतों के साथ संघर्ष। देखो इन्होंने राजपूतों के साथ भी संघर्ष किए थे। तो अकबर ने अपनी सौहार्दपूर्ण नीति से राजपूतों का सहयोग प्राप्त किया था परंतु राजपूतों का वैसा सहयोग औरंगजेब प्राप्त नहीं कर सका। देखो जो अकबर थे, ठीक है, अकबर ने क्या किया था, अपने सौहार्दपूर्ण मतलब मिलजुल कर रहने की जो उनकी नीति थी, इससे राजपूतों का सहयोग उन्होंने प्राप्त किया था। लेकिन जो औरंगजेब था ना, उसने ऐसा नहीं कर सका, मतलब उसको इतना सम्मान इतना नहीं मिल सका, ठीक है, क्योंकि वो उसका स्वभाव ही ऐसा था कि कोई भी उसका साथ देना नहीं चाहेगा। मारवाड़ के राणा जसवंत सिंह की मृत्यु के पश्चात उसके राज्य को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। फिर जो मारवाड़ के राजा थे जसवंत सिंह, ठीक है, जब उनकी मृत्यु हुई तो उसके बाद औरंगजेब ने क्या किया, उसको मुगल साम्राज्य में मिला लिया। दुर्गा दास राठौर ने जसवंत सिंह के अल्पायु बेटे अजीत सिंह को मारवाड़ की गद्दी पर बिठाया। दुर्गा दास राठौर ने मुगलों के विरुद्ध जबरदस्त संघर्ष किया। दुर्गा दास के इस विरोध को समाप्त करने के लिए औरंगजेब ने राजपुत्र अकबर को मारवान भेजा। राजपुत्र अकबर स्वयं राजपूतों से जा मिला और उसने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, ठीक है। इस विद्रोह में महाराष्ट्र के मराठों से भी सहायता लेने का प्रयास हुआ। मारवान का अस्तित्व बनाए रखने के लिए दुर्गादास राठौर ने मुगलों के विरुद्ध इस संघर्ष को जारी रखा, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मराठों के साथ संघर्ष, और ये पढ़ने के बाद हमारा ये जो पाठ है ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलो देखो,
महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के नेतृत्व में स्वराज्य की स्थापना हुई। देखो महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के नेतृत्व में किसकी स्थापना हुई? स्वराज्य की, मतलब अपना राज्य। अभी तक तो दूसरे दूसरे देश से लोग आकर के राज्य कर रहे थे, मुगल आए थे, तुर्की, अफगानी, पता नहीं कौन कौन आए थे, उन्होंने हमारे देश को बहुत लूटा, इस पर राज्य किया। लेकिन जब शिवाजी महाराज आए, ठीक है, तो उन्होंने स्वराज्य की स्थापना की। स्वराज्य की स्थापना मतलब क्या? हमारे ऊपर अपने लोग ही शासन करें, हमारे भारत के ऊपर कोई बाहर से ना आए, ठीक है। स्वराज्य स्थापना के लिए उनके द्वारा किए गए इस प्रयास में उन्हें अन्य शत्रुओं के साथ मुगलों से भी संघर्ष करना पड़ा। मतलब स्वराज्य स्थापना इतना आसान नहीं था, क्योंकि पहले से इतने सारे लोग थे जो चाहते थे कि भारत पर हमारा राज्य हो जाए, हमारा राज्य हो जाए, तो उनको बहुत सारे शत्रुओं का सामना करना पड़ा, ठीक है, उनके साथ संघर्ष करना पड़ा, और इसी में मुगल भी शामिल हैं। उनकी मृत्यु के पश्चात औरंगजेब संपूर्ण दक्षिण भारत को जीतने के उद्देश्य से दक्षिण में आया, परंतु मराठों ने औरंगजेब के साथ प्रखर संघर्ष किया और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा की। देखो उनकी मृत्यु के पश्चात जो औरंगजेब था, ठीक है, संपूर्ण दक्षिण भारत को जीतने के उद्देश्य से वो कहाँ पर आया? दक्षिण में आया, परंतु जो मराठे थे उन्होंने औरंगजेब के साथ प्रखर संघर्ष किया और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा की कि हम तुमको अब अपने ऊपर राज्य नहीं करने देंगे। इस संपूर्ण संघर्ष की जानकारी हम आगे चलकर लेंगे, मतलब अब इसके बाद क्या हुआ, ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हम अगले पाठ में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपका पाठ दो पूरा कंप्लीट होता है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये पाठ समझ में आया होगा।